तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक एम्पलीफायर स्पीकर जो कि 15 से 20 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है, जिसे कि आप एक ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ए पागल मत बना, चल। इसलिए बोलता हूँ वीडियो स्किप मत करो। आप वीडियो स्किप कर देते हो और बाद में समझते नहीं हो और बाद में बोलते हो ये कैसे हुआ। तो वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक और फिर बताना कि मैं गलत क्या बोला। सच में ये एक अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट लगता है, क्योंकि एक एम्पलीफायर स्पीकर का सर्किट 20 रुपये में बनकर तैयार हो जाना एक बहुत बड़ी बात है, और एक अच्छा सा ब्लूटूथ स्पीकर बनाने में लगभग 500 रुपये तक खर्च हो जाता है। बट इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसे 20 रुपये में बना सकते हैं आप। तो चलो मेरे नौजवानों, जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक BC547 ट्रांजिस्टर। इसे आप मार्केट से 2 से 3 रुपए में बहुत ही इजीली खरीद सकते हैं, और इसका सीरियल पिन आउट है कलेक्टर बेस एंड ए मीटर, आप इसमें देख सकते हैं। और अब हमें चाहिए एक 1K का रेजिस्टर, और इसको हमें ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर पिन में लगाना है, ठीक ऐसे। तो एक लेग को हमें बेस में लगा लिया है, और दूसरी लेग को लगाने के लिए हम ऐसा एक छोटा सा वायर का टुकड़ा का यूज़ करेंगे। और अगर आपको वायरिंग में प्रॉब्लम आए तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसका पूरा डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा जो वायर है वो हम काट देंगे। और अब हमें लेना है 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम ट्रांजिस्टर के बेस में लगा देंगे। और अब हमें लेना है एक स्पीकर, ये 4 ओम 3 वाट का स्पीकर है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे हमें ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन में लगा देना है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन हम बाद में करेंगे। और अब हमें लेना है एक 3.5 mm का जैक, और जैक का जो ऑडियो इन का कनेक्शन है वो हम कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल में कर देंगे, और जो जैक का ग्राउंड पिन है वो हम ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन पर लगा देंगे। तो चलो इसका कनेक्शन भी हो गया है। तो अब हमें देना है इस सर्किट को पावर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक 18650 का बैटरी, और ये एक 18650 का बैटरी होल्डर है, और बैटरी का जो नेगेटिव कनेक्शन है वो हम ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन पर कर देंगे। और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम स्पीकर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक ऐसे। और जितने भी वायर का जॉइंट है वो हम टेप की मदद से सिक्योर कर देंगे, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा एक सर्किट है। तो ये है एक 18650 का लैपटॉप बैटरी, तो इस बैटरी को हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, तो अब हमारा पूरा सर्किट तैयार हो गया है, और अब इसे यूज़ करने के लिए एकदम रेडी है। तो चलो हम जल्दी से इसे चेक कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इसका साउंड आ रहा है, तो आप खुद ही देख सकते हैं इसका साउंड कैसा है। तो जितने रुपए में ये बनकर तैयार हो जाता है, तो आप उतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका साउंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आएगा, तो उतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं है, साउंड थोड़ा ख़राब है, और साउंड का क्वान्टिटी उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो ये जो छोटा ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसका इतना पावर नहीं है कि ये एक अच्छा क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड करे, तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसलिए बहुत हीट भी हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप अगर इस सर्किट को बनाते हो तो प्लीज़ एक हीट स्किन का यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको हीट स्किन ना मिले तो एल्यूमिनियम शीट जो है वो इस ट्रांजिस्टर के ऊपर कवर कर लीजिएगा, ताकि इसका जो हीट निकलता है
वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मेरे पास कोई हीट स्किन नहीं है और मैं इसलिए इस पर हीट स्किन नहीं लगा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलो एक बार हम इसे ब्लूटूथ में कन्वर्ट करके भी देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा आता है। और ब्लूटूथ बहुत पोर्टेबल भी है तो इसके लिए हम जो ऑडियो जैक का यूज़ किया है वो हम उसका वायर कट कर देंगे, वहाँ पर हम एक ब्लूटूथ का सर्किट लगा देंगे। तो जो ऑडियो का जैक है उसे हमने कट कर लिया है तो हम इस सर्किट का यूज़ करेंगे। ये एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर सर्किट है, बहुत ही चीप प्राइस पे आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा इसका वायरिंग समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कुछ वायर अब भी लगा हुआ है क्योंकि मैंने पहले ही लगा के रखा था ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। तो आप देख सकते हैं दो बड़ा वायर है और दो छोटा वायर है। जो बड़ा वायर है वो है पावर इनपुट का, आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है VCC एंड ग्राउंड। VCC में लगेगा बैटरी का पॉजिटिव और ग्राउंड में लगेगा बैटरी का नेगेटिव, बहुत ही सिंपल है। और साइड पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है L out AGND, AGND मतलब ऑडियो का ग्राउंड और R out मतलब राइट ऑडियो आउट। यहाँ पर L out और R out दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर L out का यूज़ कर रहा हूँ मतलब कि लेफ्ट ऑडियो। तो चलो जल्दी से इसका कनेक्शन कर देते हैं। पहले हम ऑडियो ग्राउंड का कनेक्शन कर लेते हैं। ऑडियो ग्राउंड का कनेक्शन हम ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन पर कर देंगे जैसा कि हमने पहले किया था। तो ये हमने लगा लिया है। और जो ऑडियो इन का कनेक्शन है सर्किट में ग्रीन वायर, वो हम ब्लूटूथ सर्किट में एल आउट जो हमने चूज़ किया था ब्लैक वायर उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो अब बाकी रहता है हमारा पावर का कनेक्शन। और येलो कलर का जो वायर है वो ग्राउंड का वायर है, मतलब उसमें बैटरी का माइनस लगेगा। और बैटरी का माइनस कनेक्शन आ रहा है हमारा ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन पर, और एमीटर पिन पर हमारा लगा हुआ है ऑडियो का ग्राउंड, तो हम उसमें ही कनेक्ट कर देंगे, वहाँ से ही उसका माइनस कनेक्शन मिल जाएगा। और बाकी रहता है हमारा पॉजिटिव का कनेक्शन। तो ये पॉजिटिव का कनेक्शन हम टेप से सिक्योर कर दिया था तो इससे हम पॉजिटिव का कनेक्शन ले लेंगे। तो ये हमने पॉजिटिव का कनेक्शन भी कर दिया है और इसे टेप की मदद से सिक्योर भी कर दिया है। अब सर्किट देखकर घबराएगा मत, इस पूरा सर्किट का डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो हमारा पूरा सर्किट रेडी है और ये ब्लूटूथ स्पीकर में कन्वर्ट हो गया है। तो इस स्पीकर का एनक्लोजर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ कार्डबोर्ड का टुकड़ा। तो दो पीस हमने कट किया है 18x9.5 सेमी का, और दो पीसेस हमने कट किया है 18x15 सेमी का, और लास्ट दो पीस हमने कट किया है 9x15 सेमी का। तो पहले हम सबसे बड़ा वाला जो एक पीस है वो एक ले लेंगे, और लेने के बाद उस पर जो स्पीकर हमने लगाया है उस स्पीकर को बिठाएंगे ऐसे, और कॉम्पस की मदद से उसका जो डायमीटर है वो हम नाप लेंगे। तो ये हो गया, और यहाँ पर वैसा एक सर्कल हम बना देंगे। तो ये सर्कल बन चुका है, और उसके बाद ये जो सर्कल है इसे हम काट लेंगे, और होने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा हॉट ग्लू का यूज़ करेंगे बॉक्स को बनाने के लिए। तो मैं जल्दी से इसे बना लेता हूँ, ये बनाना बहुत ही ईजी है। Thank you.
तो जो बैटरी है उसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा पूरा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है, तो अब ये उतना खास नहीं लग रहा है, तो चलो इसे बहुत जल्दी एक सजावट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सुंदर लगे। तो ये हमारा सजावट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये बहुत अब सुंदर लग रहा है पहले से। और आपको ज़रूरत नहीं कि ऐसा ही डिज़ाइन करना होगा, आप चाहे तो आपकी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको जैसे मर्जी आप वैसे आपको इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलो हम मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं BT160 कनेक्टेड है। तो चलो अब एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो गाइस मैं माइक को सामने रखकर चेक करके देता हूँ कि ये सच में सॉन्ग प्ले कर रहा है। तो आप अब शायद समझ गए होंगे कि इसे कैसे बनाना है टोटल, और फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी मस्त लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।